ब्रह्म पदार्थ द अनसॉल्व मिस्ट्री ऑफ नबकालेबरा। तो दोस्तों, आप लोगों को आज के दिन में ये पता है कि चक्र, हर जगह चक्र बैलेंसिंग, हृदय चक्र, माइंड चक्र, कितने अलग अलग चक्र हैं और उनकी बैलेंसिंग आज की डेट में की जाती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि प्रभु श्री कृष्ण के हृदय चक्र आज भी हमारे साथ है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो चलिए उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक एंशियंट छोटा सा एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, लॉर्ड श्री कृष्ण। शुरू करने से पहले मैं प्रभु का नाम लेना चाहूंगा। ओ, 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 ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल में हम ज्योतिष के बारे में और कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज जो हम टॉपिक लेंगे वो ज्योतिष से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि श्री कृष्ण आज के दिन भी उनका एक अंश इस भारत की धरती में अभी भी है, प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो इसी के बारे में आज हम ये चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि एक्चुअली में ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। कहा जाता है कि पुरी में जो जगन्नाथ टेंपल है वहां पे आज भी श्री कृष्णा, उनका जो हृदय है, हृदय का एक पिंड आज भी वहां पे रखा हुआ है। और जो भी वो हृदय पिंड है, वो जो लकड़ी की मूर्तियां हैं उसके अंदर उनको स्थापित किया जाता है। और लगभग हर 12 या 19 साल के अंतराल पे तो वो मूर्तियां भी बदली जाती हैं। तो ये माना जाता है जो वो पदार्थ है जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कह रहे हैं, वो एक चक्र के रूप में है और वो आज भी एक्टिव है। तो इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि ये ऐसे यहां तक कैसे पहुंचा और ये एक्चुअली में है क्या। आप लोगों ने ये तो जाना ही होगा कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु आज भी मिस्ट्री। वो एक जगह एक वन में थे और एक शिकारी जो था वो शिकार करने के लिए जंगल में घूम रहा था, और उनका उस शिकारी का जो एक वान था वो अनजाने में श्री कृष्ण जी को लग जाता है, उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी कहा जाता है जो वो शिकारी था वो पिछले जन्म में बाली और इस जन्म में उन्होंने रीबर्थ लिया एक शिकारी के रूप में। उस जन्म में प्रभु राम ने बाली को यही बोला था कि अगले जन्म में तुम्हें एक मौका मिलेगा मेरे प्राण हरने के, और वही मौका उनके अगले जन्म जब वो प्रभु श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए, तो उस टाइम जो वो शिकारी बन के आए तो वो बाली का ही रूप। तो जब उनकी उस विष लगे हुए तीर से प्रभु श्री कृष्ण के प्राण निकल गए, उसके बाद कहा यह जाता है कि उन्होंने उनके शव अंतिम क्रिया किया, अग्नि को समर्पण किया, और जब अग्नि को समर्पण किया उसके बाद सब कुछ जलने के बाद एक अद्भुत सी चीज जो कि एक चक्र का रूप धारण किए हुए थी वो शेष बचा हुआ था और वो जला नहीं। जो शिकारी था तो उसने उस चक्र के रूप में जो वो चीज था उसको फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उस चीज को जलाना। तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण जी का ही एक अंश है और एक चक्र के रूप में है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप ये समझें कि वो जो एक
चक्र था कि जैसे कि हृदय के, आज की डेट में हृदय को चलाने के लिए जैसे आर्टिफिशियल पेसमेकर्स होते हैं, वैसे ही आप सोचें कि वो एक मशीन टाइप है और वो किसी भी लाइट से वो एक्टिवेट हो जाता है और वो वाइब्रेट करके उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उसमें एक वाइब्रेशन, जैसे कोई भी रोशनी उसमें गिरती है तो उसमें वाइब्रेशन निकलता है और बहुत तेज एनर्जी निकलती है। तो उसको देखने के बाद तो शिकारी को ये लगा कि चलो ठीक है, ये अद्भुत जो चीज है इसके अच्छे दाम मिल सकते, तो क्यों ना मैं इस चीज किसी को बेच दूं। तो उस अद्भुत से चक्र लेकर वो पूरे भारत में एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा, लेकिन फिर भी किसी ने वो जो चक्र था वो चक्र किसी ने नहीं खरीदा उससे। तो हार मानकर उसने क्या किया, एक लकड़ी का छोटा सा तख्ता बनाया और उसके ऊपर उस चक्र को रखा और पानी में बहा दिया। अब ये कहते हैं वो जो पानी में बहते बहते वो पूरी पहुंच गया, तो वहां पे ही किसी सिपाही ने वो चक्र देख के उसको उठाकर राजा के पास ले। तो कहते हैं जो राजा, उन्होंने जब वो चक्र को अपने पास रखा तो उनको स्वप्न आए, तो स्वप्न में नारद जी ने ये बताया तो ये जो चक्र है ये कहीं ना कहीं प्रभु श्री कृष्ण के अंश हैं और उनको एक एक भव्य मंदिर का स्थापना करनी है और उस भव्य मंदिर का जो भी प्रतिमा होगी वो स्वयं विश्वकर्मा जी आके बनाएंगे, लेकिन उसमें एक शर्त था कि आप कभी भी जब तक वो मूर्ति संपूर्ण न होगी तब तक आप वो मूर्ति जाके नहीं देख सकते। तो राजा ने सब ही अरेंजमेंट कर दिया, हर तरह की चीजें, प्रबंध का जो भी चीजें चाहिए थी वो सारी चीजें रख दी एक रूम के अंदर और वहां पे वो मूर्ति का कार्य शुरू। तो कभी कभी राजा वहां जाते थे या अपने जानकार को भेजते थे तो वहां जो मूर्ति बनने का जो शब्द होता था तो वो सुन के वो आ जाते। लेकिन एक टाइम आया जब राजा बहुत ही उत्सुक हो गए और उन्होंने अपने जो दिए हुए वचन थे उसमें नहीं रहे और वहां पे जाके उन्होंने वो दरवाजा कोष को खोल दिया और मूर्ति देखने की इच्छा प्रकट की। तो वहां पे उन्होंने देखा कि मूर्ति जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी और अगले दिन से विश्वकर्मा जी दोबारा आके उस मूर्तियों को नहीं बनाया। तो उसमें आप देख सकते हैं कि श्री जगन्नाथ में जो टेंपल है वहां पे जो मूर्तियां हैं वहां पे तीन हैं, वहां पे बलराम जी हैं, वहां पे श्री कृष्ण जी हैं और उन्हीं की बहन सुभद्रा जी। तो उनकी जैसी भी मूर्ति है उस मूर्ति के अंदर उन्होंने इस चक्र की स्थापना करी और वहां पे पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद शुरू। लेकिन ये जो मूर्तियां हैं ये जो मूर्ति सारी लकड़ी में बनाई गई है, लकड़ी नीम के पेड़ को काटकर ये मूर्तियां बनाई गई। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं ये हर 12 से 19 साल के बीच में ये मूर्तियां चेंज की जाती हैं, दोबारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसा क्यों? पहली बात, ये जो एक ब्रह्म पदार्थ है ये अभी भी एक्टिव है, इसमें बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है और आपको पता है पहले जो मूर्तियां बनती थी वो मूर्तियां जो है वो पत्थर में या किसी धातु में बनती थी, ठीक है। और कोई भी पत्थर या धातु की अगर हम बात करें वो कहीं ना कहीं हम जैसे साइंस में कहते हैं कंडक्टर होते हैं और हमें ऐसा पदार्थ चाहिए था जिससे हम एनर्जी को सस्टेन भी कर सके, जो कि इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें बिजली की प्रवाह नहीं होती, तो वो जो है लकड़ी है। लेकिन फिर आप ये सोचिए कि अगर लकड़ी वो एक जो चक्र है उसमें इतना एनर्जी है वो जैसे ही लाइट से स्पर्श करेगा तो वो एक्टिवेट हो जाता है और अभी भी आज की डेट में भी उसमें बहुत ही तेज रोशनी और सोर्स निकलता है, तो फिर एक लकड़ी 12 से 19 साल में क्यों बदलने की जरूरत पड़ती है? वो इसलिए ऐसा होता है, ये कहा जाता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक पदार्थ जो है जिसे हम मरकरी कहते हैं, मरकरी जैसा कोई पदार्थ
वहां से उस चक्र से निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, जिससे वो जो है लकड़ी को अंदर ही अंदर धीरे धीरे उसको खत्म करता है। तो एक टाइम पीरियड बाद उस वजह से ये मूर्तियां बदलनी पड़ती हैं। और जो ये मूर्ति बदलनी पड़ती है वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है पूरी। उस इवेंट में लोग पांच ग्रुप में निकलते हैं मंदिर से और नीम के पेड़ की तलाश करते हैं। तो उस नीम के पेड़ में एक अद्भुत सा निशानी खोजते हैं। और अभी जो लास्ट टाइम जो हुआ 2015 में, तो वहां पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको मिलेगा, जिसमें उन्होंने उन पेड़ पे पेड़ के अंदर शंख चक्र और गदा के चिन्ह उस पेड़ में देखे और ऐसे ही पेड़ को काट के ले जाया गया और उसके बाद नई मूर्तियां बनाई गई। और जिस दिन उस हृदय की स्थापना या ब्रह्म पदार्थ या हृदय की स्थापना दोबारा की गई, तो वहां पे पूरे उस जोन में रात को बिजली की प्रवाह बंद कर दिया गया ताकि कहीं पे भी कोई लाइट का सोर्स ना रहे। और वहां पे जो भी पुरोहित जिन्होंने ये किया, उन्होंने अपने आंखें हाथ ये सारे चीजें अच्छी तरह कवर किया, चाहे मोटे मोटे ग्लव्स से, और उसके बाद उन्होंने ये प्राण प्रतिष्ठा की। तो अब ये चीज समझिए कि पुराने जमाने में भी कितनी हाई टेक्नोलॉजी थी। और ये एक स्पिरिचुअल भी है और टेक्नोलॉजी भी है। और आपको पता है कि श्री कृष्ण जी जो है सुदर्शन चक्र चलाते थे, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इस हृदय जो पिंड है या चिन्ह है उसके अंदर से ही निकलता है। तो ये तो बहुत ही अद्भुत चीज है। और हमारे भारत में ऐसे कई अनोखी चीजें हैं, तो मैंने ये सोचा क्यों ना ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप सभी तक पहुंचाऊं। हो सकता है आप में से कई लोगों को इसके बारे में पता हो और हो सकता है कई लोगों को ना पता हो। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि जिनको ये चीज नहीं पता आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी पता चले कि प्रभु श्री कृष्ण आज भी हमारे पास हमारे साथ इसी धरती में, इसी पावन धरती में, भारत में अभी भी हैं। और वो पुरी के उस धाम में हैं, जगन्नाथ पुरी में। आप जाकर बिल्कुल उनसे आशीर्वाद अपने जीवन काल में ज़रूर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा आप अपनी राय ज़रूर कमेंट क्षेत्र में दें और हमें बताएं कि क्या ये आपको पहले से पता था। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।